हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स के पार्ट यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल आईएमपी क्वेश्चन 2023 के लिए 2023 के लिए अपन 2023 में पेपर देंगे उनके लिए, और वो क्वेश्चन बताएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन नंबर में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन बताएंगे। आप इसमें यूनिट नंबर 2 पूरी कंप्लीट करेंगे, ओटी से लेकर क्वेश्चन तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तक वो भी केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किया ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहली ओटी लिखी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। तो बच्चों ये क्या होता है, देखिए इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, इसका आंसर आएगा धारा अनुक्रमाती अनुगमन वेग, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है बच्चों, इसका ऑप्शन पहला ही सही है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है धारा घनत्व का मात्रक होता है। तो जो धारा घनत्व का मात्रक होता है मीटर और एम्पियर, मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। नंबर 3 क्वेश्चन आता है अचालक पदार्थ की चालकता होती है, अचालक पदार्थ की चालकता होती है बच्चों, तो ये होती है अनंत, क्या होती है अनंत, अचालक पदार्थ बने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करंट आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है बच्चों इसके बाद तार, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बच्चों किस पर निर्भर करता है, सभी लोग बताएंगे, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बच्चों होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, आंसर इसका बढ़ता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 अनओमी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बच्चों घटता है, अनओमी प्रतिरोध वो ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है बच्चों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत प्रवाह कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ है ओमी प्रतिरोध, यानी ये क्या है, तांबे का तार होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं तांबे का तार आंसर। प्रश्न नंबर 10 है किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगता है, यानी किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाया जाता है बच्चों, तो सबको पता होगा क्या लगाया जाता है, अमीटर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है विद्युत सेल का स्रोत है, तो बच्चों विद्युत सेल का स्रोत है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत सेल का स्रोत विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है एक सेल, देख सकते हो एक सेल का विद्युत भाग बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है, इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर होगा बच्चों, तो क्या होगा विभवांतर दोनों टर्मिनल के बीच, ई अपॉन टू वोल्ट होगा बच्चों, देख सकते हो ई अपॉन टू वोल्ट, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है बच्चों, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर तेरह आता है एक प्राथमिक सेल का विद्युत भाग बल 2 वोल्ट है, जब इसे लघु पथित कर देते हैं तो यह 4 एम्पियर धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 14 नीचे लिखा है विभव मापी के तार की प्रभावी लंबाई बढ़ाने से उसका मापन की यथार्थ क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, यथार्थता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है बच्चों किलोवाट घंटा मात्रक होता है बच्चों, किसका होता है आप लोग देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का। बच्चों जितनी भी अपने ओटी की हैं उनके सारे आंसर यहाँ पे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं उनके सारे सारे क्वेश्चनों के आंसर ये दिए गए हैं, अगर आप लोगों यहाँ से कोई डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों तो पीडीएफ हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको बताई गई है, उस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ से आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, हम पर्सनली इसको सेंड कर देंगे इंस्टाग्राम पर बच्चों।
है, सुपर फ्यूचर एकेडमी सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम पे। क्या सर्च करना है बच्चों आपको बता दें, सुपर फ्यूचर एकेडमी, केवल सुपर आपको बता दें बिना स्पेस के, ठीक है। सुपर फ्यूचर FUTURE और अकेडमी ACADEMY, ठीक है जो, ये सुपर फ्यूचर अकेडमी सर्च करना है बिना स्पेस के, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अब आते हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग डॉट डॉट की कोटिका होता है, की कोटिका होता है बच्चों। तो आपको इसका आंसर बता दें, पहले का आंसर होता है 10^-4, 10^-4, 10^ कितना होता है बच्चों, -4 होता है। अब आता है मीटर सेकेंड होता है, सॉरी 10^-मीटर सेकेंड बच्चों। इसमें आपको सही मतलब लिखने में नहीं आ रहा है, आपको नीचे इसका सारे आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक। किसी अर्धचालक का प्रत्यय ताप का गुणांक कितना होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक हिंदी में भी लिखते हो ऋणात्मक, ठीक है। फिर आता है धारा घनत्व सदस्य राशि है, ठीक है। यहाँ पे सदस्य भरा जाएगा, सदस्य राशि, सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, विशिष्ट चालकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वेयर इंटू बोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। इसके नीचे आपको आंसर दे दिए जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, देख सकते आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, और भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर नौ, देखो सारे आंसर ये है, ये सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिएगा जो सारे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप नोट कर लेना, सारे आंसर ये लिखे हुए हैं, प्रोवाइड करा दिएगा बच्चों, सारे आंसर लिख लो बच्चों। को वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, सभी लोग लाइक करो जल्दी से जल्दी। चलिए बच्चे अब देख लिया क्वेश्चन क्या है आगे, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी आके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता देखो ये किरचॉफ का नियम आया है कुछ 2019 में आया था, विद्युत संबंध 2022 में पूछा गया था। तो सही जोड़ी किस किस प्रकार प्रकार से आपको मिलानी है तो आपको दिख ही रहा होगा आंसर में, और नहीं मिलाना आता है तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, आपको दिया गया है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला उत्तर लिखा है पहले का तीसरा। तो जो पहला का क्वेश्चन है था ऊपर है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ जो पहले का था वो तीसरा मिलाना है आपको। तो यहाँ से पहले का देखिए किसको मिलाना है, तीसरा मिला देना, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से सभी जोड़ियाँ मिलानी है, और जो जोड़ी आती है जो बी वाली, तो बी वाली का आंसर आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप सारी पढ़ लीजिए आराम से, शांति, ठीक है। तो बी वाली का आंसर ये दिया हुआ है, और घबराने की जरूरत नहीं, देख सकते आप लोग। पहले आंसर लिख लीजिए, उसके बाद में सारी जोड़ियाँ लिख लीजिए और मिला लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। बच्चों को वीडियो को लाइक कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे आते एक शब्द में उत्तर, तो बच्चों एक शब्द में उत्तर है, तो ये देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा है, किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। बच्चों कौन सा नियम है, प्रथम नियम, ठीक है। किसी चालक, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो ताप बढ़ाने पर बच्चों क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ताप घटाने पर घटेगी, यानी ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ताप के अनुक्रमानुपाती, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आया, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। बच्चों तो नहीं है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, सभी चालकों के लिए नहीं, देख सकते हो बच्चों सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। बच्चों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हो, देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया था, आपको दिख रहा होगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 2022 में पूछा गया, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभव यानी कम हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो मतलब लघु उत्तरी 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, देखो आपको बता दें, पहला क्वेश्चन है, इक्का लगा लें सभी लोग, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, और ओम का नियम, ठीक है। पूरी यूनिट याद नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के आपको बताया गया है, ठीक है बच्चों, देख सकते हो ओम का नियम। इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, ओम के नियम की सीमा, देख सकते हो बच्चों आप लोग 2022 में पाया था क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था,
और किरचॉफ का वोल्टता का नियम, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन है ठीक है, इन पे भी स्टार लगा के रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए ही नहीं गए, सिंगल क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए ठीक है, पूरी यूनिट के क्वेश्चन छाट के बताए गए हमको, जाता अनुगमन में धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन है तो आप लोग ये भी लिख लेना, अनुगमन में धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन, आप लोग इस पर स्टार लगा देना, VBI क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हो VBI क्वेश्चन 100% आएगा, आप लोग इसको रट लेना बच्चों, इसको सॉल्व करने नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट करके बता देंगे, सॉल्व बता देंगे। इसको PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर दे, पर्सनली इसको सेंड कर देंगे बच्चों ठीक है, देख सकते हो आप लोग, क्लियर है सभी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है बच्चों, विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ का नियम सचित्र समझाइए बच्चों, ये किरचॉफ का नियम है, इस पर भी स्टार लगा लेना, किरचॉफ का नियम है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम लिख लेना यहाँ पे, कुछ नीचे भी दिया हुआ है, ये लिखा है किरचॉफ का नियम, चित्र भी बना हुआ है, शांति से देख लेना बच्चों, आपको इसी प्रकार से लिखना है ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखा हुआ है, फिर एक किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखा हुआ है बच्चों, दोनों क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन आता है बच्चों VBI क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, ये VBI क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था, आप लोग देख सकते हैं, चालक प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध मंत्र बच्चों, तो कन्फ्यूजन के लिए आप लोग देख सकते हो, सभी लोग 14 में इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का यही क्वेश्चन आना बच्चों, सभी लोग नोट कर लो, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो सभी लोग। चलिए क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध सब क्या समझते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, ये क्वेश्चन लिख लेना, तो नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों किसी सब्जेक्ट का कमजोर है आपको केमिस्ट्री में बता सकते हैं ठीक है, केमिस्ट्री का वो जल्दी प्रोवाइड करेंगे वीडियो, सभी लोग कमेंट करके बता देना जरूर, सब लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो लास्ट क्वेश्चन आता है आज की वीडियो का, आज क्लास का, सेल के विद्युत भागवल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर, यानी विद्युत भागवल तथा विभवांतर में अंतर, आप लोग देख सकते हैं विभवांतर में अंतर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना 2023 के लिए, देख सकते हो आप लोग अंतर लिखे हुए हैं, तो अंतर सब लोग याद कर लेना है, 4 अंतर लिखे, 4 अंतर लिखे हुए सब सामने, सभी लोग नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया सभी लोगों ने। चलिए बच्चों कोई सब्जेक्ट कमजोर है कमेंट करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो, PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, तब तक बच्चों जय हिंद।